सिक्स क्लास अभी तक हमने एंगल मेजरमेंट सीखा था और प्रोटेक्टर का यूज़ करना सीखा था। एंगल में एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, ये सब हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको देखिए कि आपको ये जो एंगल है आपको इसको देखना है कि क्या ये एग्जैक्ट 30 डिग्री ही है या इसकी वैल्यू कुछ अलग है। तो ये आप बुक के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको इन सबको एंगल्स को मेजर करके इस टेबल के अंदर फिल करना है। ओके, तो 2 क्वेश्चंस थे जो पिछली वीडियो में नहीं आए थे, ये हम आज कर रहे हैं। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है, जिस इसका देखो रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ए बी उल्टा टी एंड सी डी। उल्टे टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन होती है जब उन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने, और 90 डिग्री का दूसरा नाम क्या था, राइट एंगल। ठीक है ना, तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी का मतलब एंगल होगा 90 डिग्री, जैसे हमारा नॉर्थ साउथ में था ना, सेम टू सेम। तो ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये 90 है, ये भी 90 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो इस लाइन को एक बार ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर आएगा यस। ओके, अगर ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है तो सी डी भी ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ओके, इज दिस ओके? ठीक है, तो आपने आसपास कुछ परपेंडिकुलर्स हैं, हम उसकी बात करेंगे अभी। तो देखिए एक बार हम इसको पढ़ते हैं, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स अराउंड यू फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। इंग्लिश अल्फाबेट टी है और इंग्लिश अल्फाबेट एल ऑल्सो। ठीक है, और डायरेक्शन वाला भी हमारे पास है। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल है, और जो हम दीवार बनाते हैं घरों में वो भी 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हम असेंबली के लिए एकदम सीधे खड़े होते हैं नेशनल एंथम के टाइम, तो हम अर्थ के साथ 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर हमें पता लग गया। मान लो कि मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया, इस पूरे की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर मान सकते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर के ऊपर हम परपेंडिकुलर बनाएं और ये वाला हो जाए 5, ये भी हो जाए 5, तो हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, एग्जांपल फिर से देखिए, मान लो इस पूरे की वैल्यू है 20, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10, तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, मान लीजिए कि ये 15 है और मान लो कि ये है 8 और ये है 7, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में उसको दो पार्ट्स में भी काटना होता है। इज दिस ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अपने को बताना है कि आपको इसको ध्यान से पढ़ो और बताओ कि क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस के एग्जांपल हैं या नहीं है। तो आपको इन क्वेश्चंस को करना है, आप इनको ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, एक बार क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.5। ओके, तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। आपको ट्रायंगल्स याद है, पॉलीगन क्या होता था, इसकी बहुत सारी साइड हो और सबसे कम साइड वाले पॉलीगन को हम ट्रायंगल बोलते थे, जिसमें तीन ही साइड होती है। ठीक है ना, तो हमारे पास जैसे ये तीन ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल की हम मोस्टली तीन कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहे तो 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, दैट्स अप टू यू, लेकिन बेसिक हमारे पास 3 कैटेगरी है। और उसके अलावा एक कैटेगरी को हमने और ऐड किया है, तो आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कुछ बुक में लिखा होता है कि 3 कैटेगरीज है, कुछ में लिखा है 4 है, सो दैट्स अप टू अस। ओके, तो जैसे देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसके तीनों के तीनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल, पहली चीज, या उसकी तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। ओके, तो जिसकी साइड्स भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो, उसका क्या नाम था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, उसी तरह से दूसरे की बात करते हैं, जिसके पास दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, जैसे इसके अंदर हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल लग रही है। ठीक है, ये दो साइड इक्वल हो लेकिन एक इक्वल ना हो। मान लो कि ये 5, तो ये भी 5, तो ये कितनी, 5 के अलावा कोई भी नंबर, मान लो 6 या 4। ओके, तो जिसकी दो साइड इक्वल उसको बोलते हैं आइसोसेलेस।
ठीक है, और जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसको बोलते हैं स्केलन। तो हमारे पास तीन टाइप की ट्राइंगल आ गई। ओके, तो देखिए अपने पास क्या है कि इन्होंने कहा है कि आपको इसको मेजर करना है, ठीक है, ये जो हमारे सामने ट्राइंगल थी ना, इन सब के एंगल्स को मेजर करना है। सभी के एंगल्स को मेजर करें और उसके बाद फिर हम इस टेबल को फिल करें। तो इसके लिए हमें सामने प्रिंट फॉर्म में बुक चाहिए, तो एक बार आप इस पेज का प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिंक में आपको बुक मिल जाएगी, अदरवाइज़ एनसीईआरटी की बुक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसमें क्या है कि यहाँ पर एंगल लिखेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम फैसला करेंगे कि कौन सी ट्राइंगल है। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो इक्विलेटरल, दो एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस, और तीनों में से कोई भी एंगल इक्वल नहीं है तो स्केलर। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से आया ऑब्जर्वेशन, ट्राइंगल्स इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंड इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। हम मेजर करेंगे तो अपने को पता लगेगा, ठीक है। ट्राइंगल्स इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, एंड अगर तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। दिस इज द मेन पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर कि अगर एंगल्स तीनों के तीनों इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी, और अगर साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, तो एक बार आप इनको पॉइंट्स की एक बार रीडिंग लीजिए। हाँ, टेक योर टाइम। ओके, हो गया, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ के साथ, दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और ट्राइंगल्स हैं, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं इसी तरह से। ये देखो, इनकी तीनों साइड के ऊपर निशान लगाए तो इनकी तीनों साइड आपस में इक्वल है, और साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, इसकी तीनों साइड इक्वल है तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। इसका कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। ओके, तो ये हमने नाम रख दिए जो मैंने आपको बताया था, जिसकी तीनों की तीनों साइड अनइक्वल हो स्केलर, जिसकी दो साइड इक्वल हो आइसोसेलेस, और जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसको इक्विलेटर। ओके, तो मैंने कहा था कि आपको एक एंगल, इसमें एक ट्राइंगल और डाल देते हैं। तो वो ट्राइंगल है कि जिसके अंदर वन एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, जिसके अंदर एंगल 90 डिग्री हो। ओके, ये रहा, इफ एनी वन एंगल इज राइट एंगल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज ओके, ठीक है। अब सारे के सारे एंगल, क्योंकि किसी में 90 से कम, जिसमें 90 से कम थे उसको हम बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल, जिसके अंदर कोई भी एंगल 90 से बड़ा आ गया एक भी तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ओके, तो ये कुछ नाम रखे हुए हैं जो आपको एज इट इज़ यू में यू कैन से लर्न ही रखने हैं। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज इक्विलेटरल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसकी बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है आइसोसेलेस भी हो, तो आप इसको एंड इसको मेजर करके देखना DF एंड EF को, और ऑब्ट्यूज के अंदर एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ट्राइंगल्स का पता लगता है, इज इस ओके, कोई डाउट। चलिए फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार देखिए और इनके अकॉर्डिंग आप बताइए कि कौन सी ट्राइंगल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू मैच द फॉलोइंग, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री। आपको इनके नाम बताने हैं कि एक तो एंगल वाली ऑब्जर्वेशन से और एक साइड वाली ऑब्जर्वेशन से, दोनों नाम बताने हैं। इसके अंदर क्या है, सेवन और सेवन, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस है, और एंगल 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज है। इसको लिखेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, इस तरह से आपको नाम लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, तो आज एक बार हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।